तो आपके हिसाब से यंगस्टर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट आ रहा है आप तो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पे सो फिजिकल तो बहुत ज्यादा आ रहा है एज ए लाइक जितना ज्यादा वह यूज कर रहे हैं और उतना ज्यादा वो फिजिकली uh, और मेंटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट इफ आई टॉक अबाउट फिजिकली तो सिंपल फंडा इज हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए राइट right? आप कह रहे हो कि हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर चाहिए। होने चाहिए ऊपर exactly. तो, yes, ही है वो तो। ऊपर इन द सेंस अभी जैसे जो भी आप किसी को भी देखते हाँ। हो तो ज्यादातर हमारी फॉरवर्ड हेड होती है उसकी वजह से ग्रेविटी बहुत आगे चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज मसल्स हार्ड

बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गया ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा राइट right? ठीक है लैपटॉप में स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन स्क्रीन साइज बहुत कम हो गया हाँ, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया स्क्रीन एंगल एंड देन योर जो एंगल ऑफ योर एंगल ऑफ योर हैंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम अब होता क्यों है अगर हम तीनों की चीज को कंपेयर करें अगर हमारी नेक अगर स्ट्रेट रखी है द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन नेक इज जहां पे सबसे ज्यादा बेंड होता है जो आप देखते आप देखते हो अगर टच करोगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा जब भी आप बेंड करते हो ऑन एवरी फिफ्टीन डिग्रीज ऑफ नेक बेंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर कम्स टू आर नेक एट के जीज आठ किलो का वेट आता है यहाँ पे आपने किसी को भी देखा है कि फोन ऐसे यूज करता है कोई भी नहीं देखा no एवरीबडीज yeah. यूज ठीक है विच इज मोर देन फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्रीज राइट अब आप कैलकुलेट करो तो एट इंटू थ्री हम करते हैं that is around 24 24 केज़ केज़ें। केज़ें। तो चौबीस से तीस किलो मतलब हो गया एक आठ साल का बच्चा आपके यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है आप इमेजिन कर सकते हैं